आप सभी की स्वागत है। बात करेंगे विशाल फैब्रिक और जम नेटवर्क स्टॉक के बारे में, जो जबरदस्त तरीके से आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन सिखाएंगे दोस्तों। जो यहाँ पर बड़े से बड़े फंडामेंटल स्ट्रांग जो शेयर होते हैं वो आपको सिखा नहीं सकते, ये दो शेयर आपको सिखाएंगे। देखिए जम नेटवर्क और विशाल फैब्रिक, आपको इसमें बहुत कुछ लर्निंग को मिलेगा, सीखने को, समझने को, और बहुत कुछ यहाँ पर आप यहाँ से लेके जाएंगे। अब यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, देखिए जम नेटवर्क की बात हो या विशाल फैब्रिक स्टॉक की, तो इन स्टॉक में ऐसा क्या हुआ है जो आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा, उसके बारे में आप ज़रूर डिटेल यहाँ पर सुनना और देख लेना। आप बाद में से ऐसे कोई स्टॉक में फंसे नहीं, और इसमें आपको ये चीज़ें जो इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ इनको आप अंडरस्टैंडिंग कर लें। यहाँ पर देखिए मैं आपको एक सबसे बहुत बढ़िया बात बताना चाहूँगा, शेयर होल्डिंग पैटर्न। जैसे मैं आपको बताते रहता हूँ कि प्रमोटर की होल्डिंग पर आपका फोकस होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर पहले बात करूँगा जम नेटवर्क के बारे में, यहाँ से इससे और ये स्टॉक से आपको क्या सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रमोटर की होल्डिंग, जैसे कि हम यहाँ पर हर वक्त बात करते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग 50% मोर देन, यहाँ पर 50% कहते हैं, बट आपको कहूँगा 30% 20%, बट उसका जो कंट्रोल होगा ना वो कंपनी के प्रमोटर के पास होना बहुत अच्छी बात रहती है। अब यहाँ पर जम नेटवर्क में देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि पूरा कंट्रोल देखिए पब्लिक के पास, 96% का स्टेक यहाँ पर पब्लिक के पास। प्रमोटर देखिए जैसे कि कोई यहाँ पर रिटेल निवेशक की तरह स्टेक उनके पास नज़र आता है, बोल तो जो कंट्रोल यहाँ पर प्रमोटर के पास होना चाहिए वो देखिए पब्लिक के पास है। और ये सबसे खराब बात है दोस्तों, आपको कहूँगा इससे ही यहाँ पर निगेटिव और यहाँ पर जो डिसीजन ले जाते कंपनी में उसमें प्रमोटर को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि देखिए उनके पास है ही यहाँ पर 1% का स्टेक। यहाँ पर जिनको भी फायदा होने वाला वो तो पब्लिक है, तो पब्लिक में आपको कहूँगा अलग अलग यहाँ पर डिसीजन हो गए, इस वजह से प्रमोटर की होल्डिंग का और कंपनी में जो डिसीजन ले जाते उसका कंट्रोल हर वक्त कंपनी के प्रमोटर के पास होना चाहिए। ये हो गई देखिए एक ज़बरदस्त बात आपको सीखने को मिल गई। अब देखिए इस कंपनी में आपको और भी कुछ चीज़ें बताऊंगा, जैसे कि इस कंपनी का जो यहाँ पर कैश फ्लो की ग्रोथ बात करें, जैसे कमाई जो कंपनी की बढ़नी चाहिए इसमें कैश फ्लो बिल्कुल ही नज़र नहीं आता है। इस बात को भी ज़रूर रिमेंबर करना, कंपनी का कैश फ्लो देखकर ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि कंपनी जब तक कैश नहीं कमा पाएगी वर्किंग कैपिटल में भी नहीं लाएगी और साथ साथ अपना बिजनेस भी एक्सपांड नहीं कर पाएगी। और आपको बता दूं दोस्तों, इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से लिसन करना, आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ चीज़ों को आप क्यों फोकस करना चाहिए, क्यों यहाँ पर उन पर यहाँ पर स्टॉक के बारे में इन्फॉर्मेशन देखनी चाहिए। इसके वजह से यहाँ पर हम जैसे कि जम नेटवर्क कुछ और भी चीज़ें देखें तो यहाँ पर मार्केट कैप देखिए, मार्केट कैप इसलिए क्योंकि इसमें देखिए तेज़ी लाने में, जैसे कि स्टॉक को भगाने में ज़्यादा यहाँ पर पैसे लगते नहीं है। आपको ये क्यों बता रहा हूँ, तो देखिए ऑपरेटर के पास जितना यहाँ पर पैसा होगा उसको बहुत ही कम पैसे में इस स्टॉक को भगा सकता है, क्योंकि इसके नंबर आप क्वांटिटी देख सकते हैं, मात्र यहाँ पर आपको नज़र आएंगे यहाँ पर 10 करोड़। तो इससे आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ज़बरदस्त तरीके से इसको यहाँ पर ऑपरेटर हैंडल कर रहे हैं, लोअर सर्किट अपर सर्किट लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसमें रिटेल निवेशक भी देखेंगे तो ऑर्डर लगाते रह रहे बेचने की कोशिश में, तो यही यहाँ पर इम्पैक्ट स्टॉक पर हो रहा है। और आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर स्टॉक को जम नेटवर्क को कुछ दिन यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्मेंस में लाया भी गया और बाद में से लोअर सर्किट, कर्जा देख सकते हैं, मार्केट कैप देखिए, इन चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग करना। और मैं अर्निंग पर शेयर के बारे में इसलिए बात करता हूँ, देखिए इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर क्या है, पूरी तरीके से 0.46%, बोल तो कुछ भी नहीं, ना के बराबर। अब यहाँ पर स्टॉक का परफॉर्मेंस देख लेना जिसके बारे में बात कर रहा था, यहाँ पर जम नेटवर्क, तो देख लीजिए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इस स्टॉक ने 6 महीने पहले कहाँ पर तो 100 रुपये के करीब चलता था, आज देखिए 12 रुपये पर आ चुका है। और आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर आप ज़रूर देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी तरीके से 15 से 20 दिन ये अपर सर्किट में रहा, इन्वेस्टर को लगा कि हमारे पैसे तो पूरी तरीके से यहाँ पर मिल जाएंगे। और देखिए बाद में से यहाँ पर आने के बाद, यहाँ पर 14 रुपये के लेवल पर आने के बाद इसने यहाँ पर लोअर सर्किट कंटिन्यू किया और आज 12 रुपये पर आ चुका है। और बाद में से आपको कहूँगा ये लोअर सर्किट कंटिन्यू करेगा, एक तो देखिए अपर सर्किट लगता है तभी बेचकर निकलना चाहिए दोस्तों। और यहाँ पर एक खास बात है कि बहुत से इन्वेस्टर को लॉस तो अभी भी है और उनके पैसे बहुत से इन्वेस्टर के फंसे भी हुए मालूम होते हैं, उनके कमेंट पे से पता चल जाता है। अब यहाँ पर हम और एक दिग्गज स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसने इन्वेस्टर को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फंसा दिया है। अब ये स्टॉक ने देखिए 68 पर आ चुका है, इसमें अपर सर्किट लग रहा है 2-2% का, रोज यहाँ पर 2% का अपर सर्किट लग रहा है, रिटेल निवेशक बहुत ही खुश है, आपको बताना चाहूँगा इसमें इन्वेस्ट कर। बट एक बात समझना, इसमें खुश होकर क्या फ़ायदा दोस्तों, यहाँ पर इसमें आप अभी बेचे तो ही फायदा रहेगा, बाद में से देखिए इसने जो लोअर सर्किट कंटिन्यू किया तो आपके पैसे कोई भी काम के नहीं और ये आप इसमें से निकल नहीं सकते। यहाँ पर देखिए स्टॉक कहाँ पर चलता था, लगभग बात करें 250-300 रुपये करीब चल रहा था और आज देखिए कहाँ 60-70 रुपये पर आ चुका है और ये पहले भी गिर चुका है अच्छा खासा। आपको बताना चाहूँगा इसमें अपर सर्किट लगा है बोले तो ऐसा नहीं कि ये बहुत ही ज़्यादा चलेगा, इस स्टॉक ने परफॉर्मेंस में कोई भी यहाँ पर खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाया, इसकी लिस्टिंग भी देख सकते कितने दिन पहले हुए,
ये दोनों भी स्टॉक यहाँ पर ऑपरेटर ने एक ही साथ यहाँ पर ऑपरेट किए हैं और ज़बरदस्त तरीके से इनको लॉस में ले जाकर रख दिया है। यहाँ पर आप ज़रूर अंडरस्टैंडिंग करते होंगे दोस्तों कि चार्ट पैटर्न देखिए, ये स्टॉक ने कितनी ज़बरदस्त भयंकर जंप दिखा दी थी। यहाँ पर आप देख लीजिए, 100 रुपये के प्राइस से लेकर उसको ऊपर ले गए थे। यहाँ पर आप देखेंगे भी तो आपको पता भी चल जाए, यहाँ पर 250 रुपये तक, और बाद में देखिए इसको ला लिए यहाँ पर। तो ये चीज़ें देख लेना। अब यहाँ पर हम और भी कुछ चीज़ें देखेंगे। देखिए यहाँ पर मैं विशाल फैब्रिक की बात बताना चाहूँगा। अभी विशाल फैब्रिक की जैसी बात आती है तो इन्वेस्टर को जो इसके फंडामेंटल की बात आती है तो इन्वेस्टर को लगता है कि बहुत ही अट्रैक्टिव स्टॉक है, कंपनी पर कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सभी चीज़ें फंडामेंटली स्ट्रांग नज़र आ रही है। बट मैं आपको एक बात और कहूँगा कि कंपनी का जो कमाई का जो यहाँ पर आपको कहूँगा क्वार्टरली बेसिस पर परफॉर्मेंस रहता है उसको देखना, और साथ साथ रिजर्व को। तो यहाँ पर आप विशाल फैब्रिक के बारे में देखेंगे तो आपको नज़र भी आ जाएगा, इसमें कोई उतना खास परफॉर्मेंस अवेलेबल ही नज़र नहीं आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर बात करें कंपनी के जो सेल्स की बात करें, सेल्स यहाँ पर बिल्कुल ही उतनी कोई खास नहीं है, यहाँ पर आपको कम ज़्यादा दिखती रहेगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो मार्च महीने में देख लेना, यहाँ पर आपको नज़र आएगा कितनी थी, यहाँ पर करोड़ों में फिगर से 343 करोड़, और यहाँ पर आप फिलहाल देख लेना कितनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सितंबर में यहाँ पर 219 बोलते, यहाँ पर सेल्स में भी यहाँ पर इंप्रूवमेंट नहीं, और कमाई देखेंगे कमाई में भी कोई खास यहाँ पर उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं नज़र आ रहा है। यहाँ पर इन सभी चीज़ों को इंपॉर्टेंस देना आपने और अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए। और कंपनी की रिजर्व की बात करें, मैं रिजर्व पर भी क्यों फोकस करता हूँ दोस्तों कि रिजर्व भी समझने आना चाहिए आपको। यहाँ पर इस कंपनी के रिजर्व देखेंगे, पिछले साल से कंपनी के इस बार के रिजर्व थोड़े यहाँ पर अच्छे सुधरते हुए नज़र आए हैं। तो आई होप यहाँ पर आप क्लियर और साफ साफ तरीके समझते होंगे कि विशाल फैब्रिक और जम नेटवर्क में आपको फ्रेश बाइंग करनी ही नहीं है। आप यहाँ पर अपने पैसे फंसाना चाहते हो तो आपकी मर्जी, लाइफ डिसीजन आपका रहेगा। और जो खरीद कर बैठे जल्दी से जल्दी निकलने की कोशिश करना दोस्तों, क्योंकि आप देख लीजिए मार्केट आज टॉप पर और ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है, सभी के सभी फंडामेंटल स्ट्रांग, और उन कंपनी में फ़ायदा मिल रहा है, और आप यहाँ पर इसमें पैसे लगाकर क्या फ़ायदा मिला है आपको यही समझ में आता नहीं। बहुत से इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा पैसा होने के बाद भी यहाँ पर ऐसे फालतू स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते। मैं आपको कहता हूँ आप फंडामेंटल स्ट्रांग यहाँ पर जो शेयर है उनमें इन्वेस्ट करते जाइए। आपको यहाँ पर चाहिए तो मुझे बताते जाना कमेंट में कोई शेयर के बारे में, मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू सो मच आपका कीमती देकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए। थैंक यू।